यूं तो आपने राजपूत वीरांगनाओं की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन हम आपको एक ऐसी राजपूत महिला से मिलाने जा रहे हैं जो किसी वीरांगना से कम नहीं है। इनके हौसले की कहानी आप देखेंगे तो आपको भी अपनी मुसीबतें छोटी लगने लगेंगी। यकीन नहीं होता तो मिलिए देवास की मानकुंवर बाई राजपूत से। वो मुसीबतों से लड़ जाती है, वो अपनी राह खुद बनाती है, वो किसान मानकुंवर कहलाती है। मानकुंवर बाई राजपूत देवास के चुरलाए गांव में रहती है। मानकुंवर बाई पेशे से किसान है और खेती भी ऐसी करती हैं कि कई अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक मानकुंवर को सम्मानित कर चुके हैं। आज मानकुंवर बाई की गिनती समृद्ध किसानों में होती है, लेकिन उनका यहाँ तक का सफर संघर्षों और प्रेरणा से भरा हुआ है। सबसे पहले तो वहाँ पे इंदौर में हुआ, फिर राजपाल सिंह जी ने करा, भोपाल में भी हुआ, सब दो सम्मानित। किसने करा था इंदौर में सम्मान? इंदौर में भी शिवराज मामा ने करा, इसीलिए अच्छी खेती, अच्छी खेती के लिए है। सब साथ में थे, सुमित्रा महाजन साथ में। हर किसी की जिंदगी में वो वक्त आता है जब कोई अपना उसे छोड़ जाता है। ऐसा ही मानकुंवर के साथ हुआ जब उनके पति भारत सिंह राजपूत का निधन हो गया। इस बात को अब 25 साल हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त को याद कर मानकुंवर बाई की आंखें आज भी नम हो जाती हैं। बहुत ही कठिन, तो बिल्कुल पहाड़ी टूट पड़ा था, ये समझ लो कि बिल्कुल जीने का रास्ता नहीं बचा था। फिर बच्चों को देख देख के मैंने किया कि सब कुछ यही है। मानकुंवर बाई ने हालात से हार नहीं मानी, बल्कि मुश्किलों का डट कर सामना किया। पति के जाने के बाद खुद ही खेती करने का फैसला किया। उन्होंने मिश्रित खेती को जैविक पद्धति से कर ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि हर कोई उनका मुरीद हो गया। जैसे आ जाती हूँ तो शाम को ही जाती हूँ खेत पे से। अभी हमने आलू लगाए थे, लहसुन लगाई है, प्याज लगाए हैं, तो आलू खुद गए और लहसुन और प्याज रहे हैं। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। संतोष आनंद का ये गीत मानकुंवर के जीवन पर सटीक बैठता है। उन्होंने भी बहुत कुछ खोया, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा और हौसले के दम पर बहुत कुछ पाया भी। और मानकुंवर नजीर बन गई उन लोगों के लिए जो मुसीबतों से हार मान लेते हैं। अभिताव शुक्ला, बंसल न्यूज़, देवास।